चलो मिलो मिलो मिलो। घूमने से ज्यादा लोग मिलते हैं ना। और अल्ट्रोस वाला मस्त हाय कर दो। तो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून नॉट मॉर्निंग। तो वाइजर क्लीन कर रहा हूँ, मच्छर मरे देखो इस पर। तो वाइजर क्लीन करना अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इधर से दिखता है। आंसू है मोटा भाई, ये हर बार मेरे को इधर से लगा उधर से लगा। तो हम लोग ऐसे फिटिंग करते हैं इसके बैग का रोप के साथ, बाकी अपना तो इजी है। इसके अंदर एक बैग है, ये इधर है। तो आज का राइड अपना रहने वाला है पावागढ़ को। तो पावागढ़ बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है, बहुत अच्छा टेंपल है वहाँ पे और रोप वे सब कुछ है। तो मस्त वाला व्लॉग बनने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और हेडफोन्स डाल के एंजॉय करो क्योंकि अपन शुरू करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिटर्न जाने वाला रूट है और यहाँ से अपने को अभी जाना है टूवर्ड्स राइट, और ये पकड़ के अभी अपन सीधा निकल जाएंगे पावागढ़। तो सामने है रेलवे ट्रैक का क्रॉसिंग। ये कहाँ से कहाँ पे जाता है ट्रैक? ये मुंबई से आता है क्या ट्रैक? अच्छा, मुंबई से अपना राजस्थान जाते रहेगा। ये देखो गाड़ियों पे भी नाम है, इधर बॉक्स पे देखो पीछे, ये इधर है। हाँ तो दिख रहे हैं आप, हाय हाय कर दो हाय। तो वो जो अपने को मिले थे वो एक्चुअली है राजस्थान से, उदयपुर से, जयपुर से वो। तो वो भी घूमने के लिए, उनको नौकरी में से थोड़ा टाइम मिल गया तो वो भी घूमने के लिए पावागढ़ ही जा रहे हैं। बाकी रिसोर्ट इधर मस्त मस्त है तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोग ये तो कहे मस्त हट वाली रिसोर्ट है, टेंट से मस्त वाले एकदम लोनावला साइड कभी गए रहोगे ना तो वैसे वाले। ये देखो व्हाट अ व्यू, मस्त ऊपर से ऐसे टनल जैसे पेड़ है। ये देख के ना मेरे को पुणे का याद आ रहा है, पुणे में अपना वो कैंप वाला एरिया मस्त है, ऐसे ही है सेम। तो ये देखो यहाँ से मेरे को नहीं समझ रहा, मतलब गुजराती में लिखा है तो मुझे पढ़ने को भी नहीं आया वो। तो मेरे को पहले लगा कि वो लिखा इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में ही है, बाद में देखा गुजराती में, चलेगा कोई बात नहीं है। और क्या रास्ता है, वाह वाह वाह। और अल्ट्रोस वाला मस्त अपने को ओवरटेक करके आगे जाते हुए। एक चेक पोस्ट, ये एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर कोई तो। घूमने से ज्यादा लोग मिलते हैं ना, लोग मिलते हैं, बातें होती है, गांव दिखता है। हाँ तो यहाँ पे वो बता रहे थे कि राम जी का मंदिर है यहाँ से पास में, बहुत मस्त मंदिर है, भंडारा भी रहता है वहाँ पे। पर अभी क्या अपने पास वक्त थोड़ा कम है, पर जय सिया राम और आते फिर कभी, भगवान है अपने साथ तो क्या है टेंशन। जंगल है एक्चुअली और यहाँ पे आदिवासी लोग भी है, तो होली के दिन वो ऐसा लेते रहते मतलब सेलिब्रेशन के लिए। तो अपन ने 10 रुपये दे दिया और निकल गए। जय जय भोलेनाथ की। ये देखो
नर्मदा नदी। ये देखो यहाँ पे टाकी है। ये ऐसा सीन कहाँ का है पता है क्या आपको? वो पंचायत वेब सीरीज देखा है? पंचायत, उसमें ऐसा ही वो ये टाकी रहता है, वो पानी का टाकी रहता है उनके गांव में, वो वाला सीन याद आ गया मेरे को। आपके पास भी ऐसे दो स्पोर्ट्स बाइक है, मतलब आपका फ्रेंड और आप हो ना, तो कभी भी कॉर्नरिंग रहेगा तो एक ने थोड़ा आगे रहो दूसरे ने थोड़ा पीछे रहो, तो कैसा है फिर प्रॉब्लम नहीं रहता है। या तो एक दूसरे की गाड़ी टच हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। टर्न है क्या इधर से? वाओ ये कौन सा डैम है? अबे ये डैम मस्त दिख रहा है। वैसे तो डैम के बाजू में आए अपन, मस्त वाला व्यू है। ये अभी फिलहाल ऐसा व्यू है मस्त। और ये साइड देखो, ये आपको जाते जाते रोड लगता है पावागढ़ को, तो चलो चलते हैं। ये डैम है इस साइड में। लेट हो रहा है, लेट हो रहा है अपने। इधर सूखा है क्योंकि डैम बंद किया है, इधर बहुत पानी है। या आप मेन रोड से भी जा सकते हो बाहर के जो हाईवे उधर से, बट स्टैचू ऑफ यूनिटी से अगर आपको जा रहा है ना पावागढ़, तो यही वाला रोड है, गांव वाला रोड। मस्त है यार, पर गांव की याद आ गई मेरे को। मेरे ऐसा ये साइड में पानी होने के कारण ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है। ये यहाँ पर, यहाँ का नाम मेन कैनाल रहेगा ये, और ये पूरे यहाँ के गांव खेत जितने में ना उनको वाटर सप्लाई हो रहा है। बट अच्छा है, नाइस इनिशिएटिव। अपन अभी इस साइड जा रहे हैं। तो अपने को फटाक से पावागढ़ अभी रोपवे से जाएंगे, क्योंकि बाइक ही चलाना है। रोपवे से जाते हैं, फटाक से आपको वो सबको दिखा दूंगा। रोपवे और पावागढ़ कंप्लीट होने के बाद निकलते फटाक से सूरत के लिए, तो शाम 4-5 बजे तक सूरत में आ जाएंगे। कोई अंधेरिया का इशू नहीं, क्योंकि ये रात को रूट पूरा जंगल गया और इधर रहता है अंधेरा। तो यहाँ पे अपना डैम कंटिन्यू हो रहा है, बहुत बड़ा कैनल है यार, और सामने दिख रहा है पर्वत, वहाँ पे है पावागढ़। तो अपन आ गए 10 मिनट में पावागढ़ का दर्शन। रास्ता तो बहुत सरस से, बहुत बड़ा खाना ले रहे, मतलब इतना वो जो कंस्ट्रक्शन वाले रहेंगे उनको कितना मेहनत लगा रहेगा ये पूरा इतना काम करने के लिए। कितना साल हो गया रे, अरे कितना बड़ा है, कंटिन्यू चल रहा। और अभी कितना किलोमीटर हो गया, हम लोग चल रहे वो भी चल रहा है, तो अपना टोटल किलोमीटर्स तो मेरे को, मैं एक्चुअली वो आदत नहीं है मुझे वो रिसेट करने का ट्रिप मीटर, तो मुझे इधर नहीं समझ रहा है ये 3.9 का एवरेज दे रही है 4 का, ये तो चेंज हो गया है। गेस वही सोचा इतना कैसे दे रही है ये। तो ये जो ये रहता है ना ये कांस्टेंट वाला, ये मेन है, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को दिखाते रहता है कि अभी 1 पॉइंट लगा, अभी 3 लीटर लगा, जो भी है। लाइफ में ना कुछ चीज़ों को आपको ऐसे जान मुझ के अलार्म लगा के सेट करना पड़ता है, नहीं तो ये फुल कर दूंगा तो गाड़ी चलती ही रहेगी, फिर मेरा सब कुछ पैर सब कुछ जाम हो जाएगा यहाँ पे। पर वो कैसा अलार्म है ना, मतलब ख़त्म हो गया, अभी मेरे को पता है मेरे को रिफिल करना है, नहीं तो गाड़ी आगे जाएगी नहीं, तो मैं रुका दूंगा, जैसे रुकाऊंगा उतर जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर से बैठूंगा। तो उससे क्या होता है, बिना कुछ बोले बॉडी रिलैक्स में चल रही है, फुल कर दूंगा अपना पेन में चल रहा है।
चलो मिलो मिलो मिलो। हम लोग बम्बई से, बम्बई से अभी सूरत में जाएंगे, अभी पावागढ़ जा रहे हैं। उधर है ना, तो यहाँ से रास्ता है ना? रास्ता कहाँ से? यहाँ से यूट्यूब पे चैनल है, उस पे दिख जाओगे सब लोग, देख लेना। चलो ऐसे छोटे बच्चों को मिला तो सही लगता है, मस्त लगता है, एकदम हैप्पी हैप्पी हो गया मैं तो। निकला तो वो बोले आवाज आवाज आवाज, उसले रेव किया। सही लगता है। चलो तो वो जो मैप है पावागढ़ का, वो पीछे ही खत्म हो जाता है गांव के अंदर, और मैप आगे है 19 किलोमीटर्स एक्चुअली और आगे। तो गूगल मैप वालों जो 3D मैप बनाने के पीछे पड़े हो, वो जरा फोकस अपने इस पे भी करो, मैप्स ज़्यादा रिसर्च करो। और अभी पावागढ़ को जा रहे हैं, यहाँ के गांव के लोग हम लोग को ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि गूगल मैप तो कुछ काम का नहीं है, वो कब का ही बंद हो गया है। और ये देखो सामने पर्वत दिख रहा है, वो उधर है पावागढ़, यही है सामने पर्वत, उसके ऊपर मंदिर दिख रहा है। गाँव कौन सा बोले यार? ये वाला गाँव, ताजपुरा। ताजपुरा, और फिर यहाँ पे आने तो बस ताजपुरा का मिल जाता है क्या? हलोल से, तो ताजपुरा गाँव है और यहाँ का ये मंदिर है। चलो आपको पावागढ़ के महाकाली के मंदिर में आना है तो आपको बाय व्हीकल कैसे आना है? ओके, तो सूरत वडोदरा इस साइड से आपको डायरेक्टली आना है माची। ओके, गूगल मैप पे क्या डालना है आपको? वडोदरा या फिर सूरत के बाद माची। ओके, माची का गूगल मैप लोकेशन लगाओ, फिर आप इसी रूट से आओगे। अभी माची को आते वक्त इधर पीछे ना एक रिसोर्ट लगा, ओके, बहुत बड़ा रिसोर्ट है, तो रोड में लग जाएगा। और अपकमिंग लोकेशन भी आपको मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि तभी मेरा कैमरा ऑफ था। तो यही रोड से आपको सीधा जाना है। अभी ये रोड ऐसा है कि आपके राइट साइड में ये पूरा पर्वत दिख रहा है, ठीक। तो अभी आप ऐसे सीधे जा रहे हो, और अभी माची से अपने को थोड़ा सा बाइक ऊपर जाता है, व्हीकल कार भी जाती है, और उसके बाद में अपने को रोप वे लेना। अभी रोप वे लेने के लिए क्या है, टिकट्स बुक करना है। ओके, एक तो ऑनलाइन टिकट बुक करो, या फिर ऑफलाइन वहाँ पे लेके टिकट्स बुक खरीद लो। एंट्री करना है, फिर यहाँ पे बाइक और कार पार्किंग है, और 30 rupees इसका पार्किंग चार्जेस है। ओके, बाइक का, तो बाकी सामान भी यहाँ पे लॉकर में रख सकते हो। वैसे आपको ऑनलाइन वेबसाइट है, ये देखो जैसे यहाँ की प्राइसेस है, और ये टाइमिंग्स देख लो एक बार, स्क्रीन स्टॉप करके देख लो। चेकिंग हुआ, यहाँ से एंट्री किया, सामने है टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट काउंटर मतलब टिकट बुक करते हैं हम लोग। अंदर चेक इन पूरा करके आ गए, टिकट भी चेक हो गए, और अभी चलते इससे मस्त। तो वो रुक रहा है, फटक फटक से चलते, ये बंदर मेरे को लेट कर रहा है। तो एक इसमें चार लोग बैठ रहे हैं।
और रात का व्यू देखो अभी क्या मस्त दिख रहा है, मंदिर बहुत सुंदर है। तो आज हमारी होली हो गई और रंगीन। जय महाकाली।